हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए एस चौहान ब्लॉग। सो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। एंड गाइस, आज की ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज चौहान जी के साथ अगेन मैं प्रैंक करने वाली हूँ। और अभी वो सो रहे हैं, तो अभी उनके साथ किया जाएगा कुछ खुरपाती। खैर, मैं बहुत दिन से ना ब्लॉग नहीं बना रही थी प्रैंक वाला, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे बनाना चाहिए क्योंकि आप लोगों को अच्छा लगता है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आज देख सकते हो मेरा हथियार रेडी है। सो देखते हैं आज क्या क्या होता है चौहान जी के साथ और कैसा रिएक्ट रहता है उनका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लॉग को। सबसे पहले मैं आपको चौहान जी से मिलवा देती हूँ कि वो कहाँ पर अभी सो रहे हैं। तो चलिए। सो गाइज, आप देख सकते हो अभी मेरे पति देव पूरे नींद से सो रहे हैं और इनके साथ अभी क्या क्या होगा ये तो ये भी नहीं जानते और मैं भी नहीं जानती। मेरे दिमाग में जितना कुछ आएगा सब इन पे अप्लाई करके देखा जाएगा। तो चलिए पहले कैमरा को सेट कर देते हैं, उसके बाद अपना खुरपाती स्टार्ट करते हैं। No. 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 Thank you.
ऑडियो ने तो फोन उन गिर जाएगा आप ही तो आप दिख रहा देख फट टूट जाएगा तेरा दांत एक एक अब आप नहा लीजिए बुगु देखिए कैसे कैसे इधर 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 घूमिए गाइस घुमाया सूझ रहा है गा विरोध करने से कोई फायदा नहीं मेरे पे कोई असरदार नहीं हो सकता है बैठे कैसे नजायज फायदा नहीं उठा रहे और क्या बाप रे मैं इतना मार खाई हूँ इतना मार खाई हूँ पिछले बार से भी ज्यादा मार खाई हूँ उस बार जो इनका हेयर रिमूव की थी ना मैं वीट से उससे ज्यादा इस बार मार खाई हूँ बाप रे कर दीजिए मम्मी को फोन सबको कर दीजिए नंबर दे दे सबका नंबर है ना आपके पास जाके नहाइए और इधर साफ कर दीजिएगा मैं नहीं साफ करूँ कैसे करें ला 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 नहीं वो छोड़ दी मैं मन किया था लेकिन फिर सोची कि ज्यादा अत्याचार हो जाएगा एक बार वॉक करके दिखाई ना मुझे गाइस मैंने वहां पे डिजाइन बनाया था वो पूरा फाड़ दिया शर्ट दिखाइए शर्ट कैसा है आपका कुछ से दिखाइए कर ली बॉडी बिल्डर क्या पैक है वो कितना पैक है आपके पास हम नहीं पैक है कोई पैक ही नहीं है हड्डी ही हड्डी जाइए अभी इसी बात को नहा लीजिए नहा लीजिए
अगर आपके घर में आपके पति नहीं नहा रहे, मैंने इनको बार बार पे ब्लश भी लगाया था, सोचे बहुत सुंदर लगेंगे। अच्छा कब तक लगाई? मेकअप के मेरा ब्लश ना खत्म नहीं हो रहा था, तो सोचा आप पे अप्लाई कर देते हैं। प्लीज ये साफ कीजिए, इधर इधर सब साफ कीजिए। तेरे सब क्या होने वाला है? वो बहुत दिन से सुन रही हूँ, कुछ नहीं होगा आपसे। छोड़ देते हैं कि बच्चा रोए खाने लगेगी। हम पे तो कोई दया में आता नहीं। नहीं मेरे कोई दया में नहीं आता। वो कमरिया डांस करके दिख गई तू, पतली कमरिया मोरी, हाय हाय हाय। ये क्लीन कीजिए। मैं नहीं करूंगी। नहीं बाल्टी में पानी लाइए और इसको साफ कीजिए। तो इस ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, हमारी भी हमको पागल कर देगी आप लोग के खाते। सही बात है, आप लोग के खातिर मैं अपने पति को पागल कर दूंगी, ये इसमें कोई कसर नहीं है। तो इतनी मेहनत किया मैंने और इतना दिमाग लड़ाया, इसके लिए ब्लॉग को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। सो गाइज मैं तो आपको एक बात बताना भूल ही गई थी, जिस पानी से मैंने इनको नहाया था ना, वो पानी एक्चुअली मेरा पेडिक्योर वाला था, मतलब मैंने उसमें अपना पैर धोया था। आज मैं पैर को क्लीन की थी तो उसी का पानी, गुलाब सारा डाला हुआ था, उसी से नहाए थे। जीवन शुद्ध हो गया होगा बुगु बाबा का, शुद्ध हो गया। अमर हो गए।